السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا میرا موضوع ہے نماز. یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرہ سمجھتا ہے. हजार सदों से देता है आदमी को निजात. इस्लाम में ईमान के पांच अहम फरीजा है नमाज की अदायगी. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में 80 से ज़ायद मुकामात पर इरशाद फरमाया, अकीमुस सलाता यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, रहीम है, अजीज है और मेहरबान है. अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही कि बंदे कहीं इस फरीजे से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान लाजिम और मजलूम है. अल्लाह की रजा का सबब नमाज, ईमान का जूस नमाज, बदन की राहत नमाज, अम्बिया अलैहि सलाम की सुन्नत नमाज और फरिश्तों का महबूब अमल नमाज. फर्ज है कि नमाज मोमिन की मेराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है. बेशक नमाज ही कब्र में चिराग है, उनके नकीर के सवालात का जवाब है. तो फिर तुम नमाज कायम करो. बेशक नमाज ही उनके नकीर के सवालात का जवाब है. सजदा इश्क कहो तो इबादत का मजा आता है. सजदा इश्क कहो तो इबादत का मजा आता है. खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है. ए मेरे रब, मेरी दुआ है कि हम सबको नमाजों और सजदों के जरिए रुजू करने वालों में शामिल फरमा दे. आमीन. तो फिर तुम नमाज कायम करो कि कहीं तुम्हारा शर भी नमरूद, फिरौन, कारून और हमान जैसे बदबख्तों साल ना हो. तो फिर तुम नमाज कायम करो, क्योंकि यही मोमिन की मेराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है. बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई तुझसे ऐसी तू बाजी बन जा. तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिदें अपनी. शर्त यह है कि पहले तू नमाजी बन जा. शर्त यह है कि पहले तू नमाजी बन जा. जज़ाकल्लाहु खैरा. वीडियो को लाइक करे.